तुम्हारी बात ना मानने के लिए सॉरी, तुम्हारा साथ ना देने के लिए सॉरी, अनजाने में तुम्हें खुद से दूर करने के लिए सॉरी, और ऋषिका के पास जाने के लिए सॉरी। पिछले दिनों बहुत से गुनाह किए हैं मैंने, और इन गुनाहों को माफ करने के लिए एक बड़ा दिल चाहिए, और मैं जानता हूं मेरी गौरी के पास वो बड़ा दिल है। अब गर्व जी, हम आपको माफ तो तब करेंगे ना जब हमें आपसे नाराजगी होगी। हम जानते हैं कि आपसे ये सब एक बुरी शक्ति ने करवाया था। ऐसा करिए, एक बुरा सपना मानकर सब कुछ भूल जाइए। और आप हैं कहां? गर्व जी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। गौरी, ये लुका छुपी का खेल बहुत हो गया। मुझे मेरे प्यार की निशानी चाहिए। कैसी निशानी? वही निशानी जो तुम्हें मम्मी बोलेगी और मुझे पापा। अपने इस अंदर के तूफान को आप काबू में रखिए। हमारा कल व्रत है और हमें जल्दी सोना है। अच्छा, ऐसा है तो ठीक है, कल मैं भी तुम्हारे लिए व्रत रखूंगा। हाँ क्यों, एक पत्नी अपने पति की लंबी उम्र की कामना कर सकती है क्या? एक पति भी तो अपनी पत्नी की लंबी उम्र की कामना कर सकता है ना। और वैसे भी मेरी लंबी उम्र तुम्हारे बिना अधूरी है, क्योंकि तुम नहीं होगी ना तो मेरे लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन आप ये व्रत कैसे रखेंगे? ये व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है सारे मुश्किल काम तुम ही कर सकती हो? अब तो ये व्रत रख के दिखाऊंगा तुम्हें। गर्जी अब। और एक बात याद रखना, इस व्रत के बाद मैं अपनी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी सोचूंगा। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा प्यार और हमारा शादी का रिश्ता एक कदम और आगे बढ़े और हमारे इस घर में किलकारियां गूंजे। गौरी बौरिया, तुम एक काम करो, जाकर के ना फल लेकर आओ। जी छोटी माई। ये लेती जाओ। हाँ। इससे पहले कोई देखे, शकुंतला की थाली में अपनी जड़ी बूटी मिला देते हैं ताकि उस शकुंतला की तबीयत बद से बदतर हो जाए। जी
छोटी माई कहीं बहुरिया ने हमका थाली में जड़ी बूटी मिलाते हुए तो नहीं देख लिया? छोटी माई ये हमने फल काट दिए। बहुत अच्छा है, अब सब न थाल में रख दो। हाँ। भोलेनाथ का शुक्र है कि गौरी ने कछु नहीं देखा। गंगा हमारी प्लेट दो जल्दी से, हमें देर हो रही है। ईका सखू तो अपनी जगह पे बैठी ही नहीं और इस गंगा ने भी सखू को गौरी बहुरिया की थाली दे दी। ऐसे तो हमरे इरादों पे पानी ही फिर जाएगा। अरे सखू तू काहे अपनी जगह ना बैठी? क्या फर्क पड़ता है कहीं पर भी बैठे, जल्दी से खाकर निकलना है हमें। अपने मोहन को ठीक करने के लिए हमें इस सखू को कमजोर करना ही होगा। कैसे भी करके इसे वो जड़ी बूटी वाली थाली खिलानी ही होगी। अरे सखू पर वो तोरी थाली ना है, गौरी बहुरिया की है और तोहरी थाल गौरी बहुरिया के पास है। अरे क्या फर्क पड़ता है छोटी माई, तीनों थालियों में खाना ही तो है। चलो चलो शुरू करो, जल्दी करो हमें जाना है। ये छोटी माई के चेहरे पर इतनी परेशानी क्यों झलक रही है? नहीं, सखू का थाल गौरी बहुरिया ने खा लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। क्या करूं? अरे सास ना अपनी बहुओं को सरगी देती है और गंगा बहू ने तुझे जो थाल दी है वो बहुओं की थाल है। हम किसी को कुछ नहीं देने वाले, आपको जो करना है आप करिए। हाँ हाँ तो हम कर देते हैं, अनर्थ तो ना होने देंगे। हाँ जाकर के प्रथा पूरी हुई। हाँ अब आएगा मजा जब शकु हमारी जड़ी बूटी वाली थाली खाएगी। मॉम ये मेरी थाली। मेरी सरगी। तुम्हारी सरगी? मैंने गौरी के लिए व्रत रखा है ना मॉम। तुम्हें ये व्रत रखने का शौक क्यों चढ़ गया है? शौक नहीं मॉम, प्यार है मेरा गौरी के लिए। और वैसे भी आज मैं आप लोगों से एक और बात शेयर करना चाहता हूँ। परसों मैं और गौरी अपने हनीमून के लिए मालदीव जा रहे हैं। बचुआ तोहरा प्यार हम सबको पता है, पर ई जो थाल है ना वो तो रिमाई की है, इसलिए तुम ई थाल नहीं खा सकते। हम तुम्हारे लिए दूसरी थाल बनाकर लाते हैं। हाँ। नहीं नहीं छोटी माई कोई जरूरत नहीं है। मॉम आई एम सॉरी, आप ये खा लीजिए, मैं गौरी की थाली से खा लूंगा, इसी बहाने हम दोनों का प्यार भी बढ़ जाएगा।
पटाखे की बुनकर कर्व से दिन ब दिन नजदीकियां बढ़ाती ही जा रही है। सको, जिस तरह तूने मेरे मोहन की जिंदगी बर्बाद की है उसी तरह तेरी जिंदगी नरक बना दूंगी। तक हमरी जड़ी बूटी कमाल काहे नहीं दिखाए कच्चे? गर्व? यस मॉम। यहाँ पर आना जरा। ये जो मॉम, आप ठीक है? ठीक है, हम पानी लेकर आते हैं। मुंह से खून। पार्किन, सबको। मॉम, मॉम क्या हुआ अचानक से आपको? मॉम, अरे क्या कर रहे हो? डॉक्टर को फोन करो। मॉम उठिए। हेलो डॉक्टर, अर्जेंट। मॉम, डॉक्टर क्या हुआ मॉम को? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सब तो परफेक्ट है पर खून की उल्टी कैसे हो रही है? इस खून की उल्टी की वजह हम हैं और बहुत जल्द शकुंतला की मौत की वजह भी हम ही बनेंगे। मैंने ब्लड सैंपल ले लिया है। खैर, रिपोर्ट का इंतजार करिए आप लोग, सब ठीक हो जाएगा। मॉम, मॉम आप ठीक है? मामा, आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए, मैं पूरा टाइम मॉम के साथ ही रहूंगा। नहीं गर्व, नहीं, कोई मीटिंग कैंसिल नहीं होगी, तुम ऑफिस जाओगे। छोटी माई है ना हमारा ख्याल रखने के लिए। आ सकू? मॉम आपकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा। मॉम नहीं गर्व, डॉक्टर ने अभी इंजेक्शन दिया है ना, दवाइयां भी दी है, हम ठीक हो जाएंगे। बोलूंगा, काम पूजा जैसा होता है, तुम ऑफिस जाओगे। छोटी माई, इस हालत में मालकिन का व्रत रखना सही नहीं है। हाँ गौरी भौरिया, तुम एकदम सही कह रही हो। सकू, तुम व्रत ना रखोगी। अरे सेहत के आगे भगवान छोटी मोटी भूल चूक माफ कर देते। गंगा, हमें लगता है तुम्हें भी ये व्रत नहीं रखना चाहिए। प्रेगनेंसी में इतनी देर भूखे रहना बच्चे की सेहत के लिए ठीक नहीं है। नहीं, हम आपकी लंबी आयु के लिए ये व्रत रखेंगे। अरे तुम लोगों को जो भी बातें करनी है ना बाहर जाकर करो, देख ना रहे हो? सकू की तबीयत खराब है, सकू को आराम करना है। चलो बाहर निकलो, निकलो जल्दी। न जाने क्यों छोटी माई के हाव भाव देख के लग रहा है जैसे कुछ तो गड़बड़ है। छोटी माई के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है।
मालकिन, मालकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालकिन हम आपके लिए दवाई और सूप लाए हैं। हमारे हाथ से अमृत भी ना पिए हम। जाओ यहाँ से। सारे नौकर कहाँ हैं? मालकिन नौकर सब्जी लेने गए हैं और गंगा दीदी डॉक्टर के पास गई हैं, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके लिए दवाई ले आएंगे। ज्यादा ही नहीं सोचती तुम, तुम्हारे हाथ से दवाई भी जहर बन जाएगी हमारे लिए। जाओ यहाँ से। पर मालकिन आपका दवाई लेने का समय हो गया है। तुम्हारा तुम्हारा यहाँ से जाने का समय हो गया, जाओ। मालकिन आपकी तबीयत मालकिन आपकी तबीयत खराब हो रही है, आप दवाई ले लीजिए, बात मानिए। मालकिन, छोटी माई। छोटी माई, वो मालकिन को खांसी आ रही है। क्या है? मालकिन के फोटो को यूं काटा क्यों हुआ है? अगर छोटी माई के दिमाग में चल क्या रहा है? एक तो पता नहीं इस वक्त वो कहां पर है। हमें उनसे बात करनी होगी। गोली खा लो। छोटी माई, आप यहां पर हैं तो हमें मां की कमी महसूस नहीं हो रही, वरना कौन ख्याल रखता हमारा? गौरी पर हमें बिल्कुल भरोसा नहीं, पता नहीं हमारे खाने में हमारी दवाई में कुछ मिलाकर दे दे तो। हमारा खाना हमारी दवाई आप ही लेकर आइएगा। चिंता मत कर सकू, अरे दुनिया चाहे बदल जाए पर तोहरी ये छोटी माई जो है ना, वो बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। हमेशा तेरे साथ ही रहेगी। खुश रहे। छोटी माई आप कहाँ थी? अरे हम तो सक्कू की मन्नत मानने के लिए मंदिर जा रहे थे और फिर अचानक से सक्कू की खांसी की आवाज सुनी तो हम सूप और दवाई देने आ गए। पर तुम काहे पूछताछ कर रही हो? हमने आपसे पूछा था कि ये क्या है।
हमें मालकिन की ये फोटो आपकी अलमारी से मिली जिस पर चौकड़ी लगी हुई है। छोटी माई जवाब दीजिए, ये क्या है? छोटी माई, ये क्या है? Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.